हाई एवरी वन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ ईशा कपूर एंड यू आर वॉचिंग वी व्लॉगिश। लोग जनरली अपने व्लॉग्स को या अपने वीडियोज़ को दिन में स्टार्ट करते हैं, बट इट्स अराउंड 11:30 PM राइट नाउ। 11:30 हुए भी हैं, हाँ हो गए 11:30। मैं यूजअली इतना लेट तक नहीं जागती हूँ, बट टुडे आई एम अप। इट्स अ सैटरडे, ऑल्दो आज कोर्ट की छुट्टी थी, बट आज वो एक वर्किंग सैटरडे था। मैं बहुत दिन से वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स शूट तो कर रही थी, बट कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी। पर अब अपने आप से एकदम से अंदर एनर्जी आ गई है। आई वॉन्ट टू शूट, आई वॉन्ट टू अपलोड, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट वीक प्रोफेशनली ऑल्सो। बस अभी भी मैंने ऐसी अपने पढ़ने के लिए भी ये एक बुक निकाली है, विच आई लेफ्ट इन द मिड। तो मैंने कुछ आधा सा पढ़ के इसको छोड़ दिया था, एंड नाउ आई फील लाइक रीडिंग इट ऑल अगेन। मन कर जाता है ना कभी कभी पुरानी छोड़ी हुई चीज़ों पर वापस आने का, एंड दैट्स व्हाट आई एम आल्सो डूइंग। तो मैंने शायद लास्ट व्लॉग में बताया होगा दैट आई एम फास्टिंग। नवरात्रि चल रहे हैं और फास्ट भी चल रहे हैं, तो खाना वाना भी थोड़ा अलग तरीके का हो रहा है, फिर एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। बट डू नॉट वरी, एनर्जी लेवल्स कैसे भी हों, दिस वन इज़ गोइंग टू बी अनदर फ्रूटफुल एनर्जी फिल्ड ब्लॉग। क्या हो रहा था ना पिछले 2-3 हफ्ते से, पता नहीं क्यों मार्च अप्रैल में इतना सारा, मार्च अप्रैल जी जो मई से पहले का टाइम होता है, इट्स वेरी वेरी हैवी कोर्ट वर्क वाइज। और काम तो होते ही हैं, बट कोर्ट वर्क भी काफ़ी होता है। सो वही चल रहा था पिछले 2-3 हफ्ते। मुझे लिटरली पता नहीं लगे हैं कहाँ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2 हफ्ते पहले संडे था ना, और कल फिर से संडे आ गया है, बस उसके बीच का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्या हुआ। मतलब मुझे पता है क्या हुआ है, बट फिर भी बहुत सारी ड्राफ्टिंग, बहुत सारा दिमाग लगा। अभी आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अच्छा हुआ उसका कॉल आ गया। जब मैं उसे बोल रही थी यार पता नहीं मेरे को बोरिंग लग रहा है, तो शी रिकॉग्नाइज, उसने बोला कि शायद तेरे को एग्जॉस्टेड लग रहा है, बोरिंग नहीं। बट पता नहीं यार, मैं एग्जॉस्टेड भी नहीं हुआ, आई लव टू वर्किंग ऑन ऑल द थिंग्स आई वर्कड ऑन। लेकिन बस ऐसे ही वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, अब बड़ा सारा कर रहा है। तो अगेन अ प्रॉमिस फ्रॉम मी टू यू, दिस वन इज़ गोइंग टू बी अनदर होलसम व्लॉग, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ मज़े भी देखने वाले हो, एंड यू गोइंग टू लर्न अ लॉट। कल संडे है, बट कुछ ना कुछ हम बढ़िया करेंगे ही करेंगे। सी यू टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स मॉर्निंग, हैड अ गुड नाइट स्लीप, बट स्लेप्ट वेरी लेट, 12:31 AM अराउंड, बिकॉज देर इज़ एन इवेंट कमिंग अप। तो उसके लिए डिज़ाइनिंग द पोस्टर्स एंड ऑल, द डिज़ाइनर स्पेसिफिकली वर्क्स इन द नाइट बिकॉज ही वर्क्स एट सम अदर प्लेस ड्यूरिंग द डे। तो लोग कितना काम करते हैं, लोग कितना हार्डवर्क करते हैं यार, सोचो। हमेशा मुझे देख के लगता है कि हमें लगता है यार हम लोग बहुत बिजी हैं, बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, बट लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग टायरलेसली अराउंड यू। टायरलेसली वर्क करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को पूरा ख़त्म कर लो, एग्जॉस्ट कर दो आप, लेकिन स्टिल दे आर एक्साइटेड फॉर मोर वर्क, फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर न्यू थिंग्स। तो हमें क्या हक बनता है बोर्ड होने का। मैं बोल रही थी ना कि मैं बोर हो रही थी, बिल्कुल बोर होना ना, दिस इज़ ऑल एन इल्यूजन, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। काम करना है, अच्छे से करना है, साथ में खुश रहना है बस। एंड लुक एट दिस, देयर आर सो मेनी पेंडिंग वर्क संडेज को ऐसे फालतू के। ये मेरा कार्ड वार्ड आ गया है, ये वो चीज़ें होती है ना, कार्ड्स वगैरह आए रहते हैं और इसको ऑन करवाना होता है, वो चीज़ें भी पेंडिंग रहती हैं। फिर बेसिक ग्रूमिंग, देन सम क्लीनिंग जो आप खुद ही कर सकते हो। मुझे तो लगता है कोई भी हो, चाहे हाउस हेल्प हो या आपके घर में कोई और कर रहा हो, बट कुछ बेसिक क्लीनिंग होती है जो आप खुद ही कर सकते हो, उसके बिना आप पता नहीं क्यों इरिटेटेड रहते हो। और जैसे कि ये गॉड, इस कैंडल पे ये जो मिट्टी आ गई है ना, ये खाली फ्लैश से और सारी लाइट्स ऑन करके मुझे ही दिख सकती है, और जब ये सब क्लीन हो जाता है ना, तो द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आई गेट, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। सो आई विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट टुडे। बट बिफोर दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गो एंड एक्सरसाइज, टू गो एंड वर्कआउट। साथ में उसके बाद प्लांट्स हैं, वो अगर हमारे घर में है तो उनको पानी भी तो देना है ना, तो जाना है। Done with my workout for today. So this is how my face looks like on every Sunday. In fact, even every alternate day, or maybe every day also. I am a ghar ka nuskha fan. This is my morning drink for every day, and that's it.
सो आफ्टर पूजा एंड एवरी थिंग एंड हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई सैट डाउन फॉर सम पेपर वर्क. जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो और दिन नहीं हो पाती हैं विच वी डू ऑन संडेज जैसे मैंने भी बोला वो सब मैं करने निकली थी. चुप रहे बता कैसे होता है. श्रृंग रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान नहीं श्रृंग रिंग सर्वलिंग ना जाना पड़े मुझे कहीं भी घर हो जाए नहीं श्रृंग रिंग सर्वलिंग श्रृंग रिंग सर्वलिंग ना जा देख देख अच्छा मंत्र पढ़ूंगी अब क्या अच्छा मंत्र पढ़ूंगी. श्रृंग रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग जब जाना हो कहीं भी नहीं होती मैं लेट बस घर बैठे बैठे यूं ही हो जाए मेरा कार्ड एक्टिवेट. जतिन मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा. एक्टिवेट एक्टिवेट ओ नो. कितनी भी कोशिश कर लो बस संडे ऐसे निकल जाता है. बट वी आर बैक टू मंडे अगेन और कंज्यूमर कमीशन रिलेटेड आज एक केस है बस वो करके विल बी बैक टू ड्राफ्टिंग. You know, it's very, very important for me to get back to office after court work, change into something comfortable and get to work. Hello. So apparently, I am going for an event to Amity, Noida. Amity Law School, Noida. I have to go there on 31st, subah ka event hai, and it's a client counseling competition. I remember when I did the client counseling competition in my college, I had no idea of how it is actually done. बट थोड़ा सा भी आइडिया मुझे वो करके मिला था. एंड ऑन 31st आई एम गोइंग टू जज वन ऑफ द क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन्स. नाउ आई थिंक आई एम ऑफिशियली और आई से वर्चुअली केपेबल इनफ टू जस्ट से दैट टाइम रियली फ्लाइज. तो आज मैं भी ये डायलॉग चिपका सकती हूँ यहाँ पे कि टाइम तो कैसे निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता. एनी वे आई बी शोइंग इट टू यू गाइज इफ एनी ऑफ यू पीपल आर इन Amity Law School नोएडा या नोएडा में है. सो वील डेफिनेटली मीट देयर अगर आप लोग क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन में आ रहे हो तो. और बिकॉज वील बी कवरिंग अ क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन सो आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव सम अपडेट्स टिप्स रिलेटेड टू सच कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो. अभी फिलहाल तो बिकॉज आई एम डन विद माई कोर्ट वर्क आई वॉज मेकिंग द थिंग्स टू डू सो आई एम राइटिंग ऑल द थिंग्स डाउन बिकॉज यू नो अदरवाइज वर्क गेट्स वेरी हैफजार्ड फॉर मी. सो बस ये सब लिखने के बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग अगेन. आई हैव अ फ्यू ड्राफ्ट्स टू मेक आई हैव अ फ्यू कॉल्स टू डू उसके बाद आपसे मिलते हैं. और आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है ना. We know that Rahul Gandhi has been convicted in a defamation case. Generally, हमने जो चीज़ें देखी हैं defamation case में कभी कभी court warning देके छोड़ देते हैं. कभी कभी वो conviction rate भी उसमें बहुत कम ही होता है क्योंकि proof नहीं हो पाता है कि ये defame किया है नहीं किया है public में किया है या ये वो बोला है जो आपको actually लगता है या जो actually true है. और जब होता भी है तो उसमें पनिशमेंट का क्वांटम कम होता है. बट यहाँ हमने देखा कि दिस केस टर्न्ड आउट टू बी अ सीरियस वन एंड हाउ टू इयर्स की पनिशमेंट हो गई है. टू इयर्स की पनिशमेंट होने का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन. अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखो तो ये आपको वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सेक्शन 8 में जाओगे तो. सो अगर दो या दो से ज्यादा साल की सजा मिलती है किसी को भी जो कि एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में सिटिंग है अभी फिलहाल किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर है तो उनको एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. और राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. नाउ दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स प्लस जितना आपका कन्विक्शन है. दैट मीन्स इनका 8 ईयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है. इस तरह की डिफेमेशन केसेस तो पता नहीं कितने हुए हैं बट इस तरह की पनिशमेंट हो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि हर बार या बहुत बार हुआ है. इनफैक्ट दिस इज अ रेयर केस एंड देयरफॉर इट डिजर्व्स आवर अटेंशन इट डिजर्व्स आवर स्क्रूटिनी. सो व्यूअर्स इफ यू वांट टू गेट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम यू नो योर सीट इन द पार्लियामेंट सो देर आर अ फ्यू वेज. आई एम श्योर यू वुड नेवर वॉन्ट टू गेट डिस्क्वालिफाइड इन केस यू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एनी ऑफ द हाउसेस. बट येस देर आर अ फ्यू वेज. सो वन ऑफ द वेज इनफैक्ट टू ऑफ द वेज springs from our constitution itself which is you can find that in article 191 then article 102. I mean these articles are the ones where you can find these ways.
देन द सेकेंड वे इज विच वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये जो पहला वाला वे था वो था जैसे जो भी ग्राउंड्स होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि उसमें से एक होता है आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया या कोई करप्ट प्रैक्टिस कर दी. सेकेंडली आप कॉन्स्टिट्यूशन के 10th स्केड्यूल में डिस्क्वालीफाई होते हो, दैट मीन्स कि आपने डिफेक्ट कर लिया है, डिफेक्शन कर लिया है अपनी एग्जिस्टिंग पार्टी से, अपने एग्जिस्टिंग रोल से. थर्ड वे इज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. सो आई स्टडीड इलेक्शन लॉ इन माई कॉलेज टाइम एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो इलेक्शन लॉ में हमें पढ़ाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. वो पूरा एक ही स्केड्यूल एक ही एक्ट पे एक तरह से आप कह सकते हो बेस्ड है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर प्रोविजंस हियर एंड देयर इन द लॉज. तो RPA में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसपे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो. तो उनमें से कई ग्राउंड्स हैं, कुछ ऑफेंसेस तो स्पेसिफिकली स्टेट किए गए हैं जिनमें आपको डिस्क्वालीफाई कराया जा सकता है, और कुछ सेक्शंस अलग से हैं जैसे कि सेक्शन 9 जिसमें कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो. बट जो स्पेसिफिकली हम राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, दैट फॉल्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. और उसी का सबसेक्शन 3 है जिसको कि चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और शायद उस सेक्शन को भी गलत ठहरा दिया जाए. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसके ये सारे सेक्शंस हैं. एंड नाउ इफ आई कम टू द रेलिवेंट सेक्शन, इट इज दिस वन. यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंसेस तो पहले ऊपर डिस्क्राइब किए गए हैं कि इसमें आपका कन्विक्शन हो जाता है, इसमें आपको दोषी मान लिया जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठने से. बट इसका स्पेसिफिकली सबसेक्शन 3 है जो उन सारे केसेस को कवर करता है, उन लोगों को जो ऊपर दिए गए किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं हुए और किसी ऑफेंस में हुए. अब इसका इंटेंट तो कहीं ना कहीं यही था कि ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होने चाहिए जिसमें कन्विक्शन हुआ है, इसलिए इसमें वही फॉल करते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा साल की पनिशमेंट हुई हो किसी को. और अपेरेंटली राहुल गांधी को 2 years की पनिशमेंट हुई है डेफेमेशन केस में, विच इज एक्चुअली द हाईएस्ट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयर इन. सो दिस इज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी एज अ लॉयर, बिकॉज ऑल द सिमिलर काइंड ऑफ केसेज दैट हैव स्टडीड इन द पास्ट डिड नॉट इन्वॉल्व सच हीनियस पनिशमेंट बींग गिवन. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था हम सब लोगों के लिए समझना, इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे कैसे किस किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन होता है. सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्विक्शन. मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंगल नहीं है इस वीडियो में, आप सब लोग भी जानते हो. तो आप लोग भी बिना बायसेस को अपने मन में लाए मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस केस, दिस स्पेसिफिक कन्विक्शन. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हायर कोर्ट है वो यहाँ बीच में आएंगे, या तो कुछ स्टे होगा या फिर पनिशमेंट को मोल्ड किया जाएगा बाद में जाके. बट उससे कितना डैमेज होता है या कितना फ़ायदा होता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा. मुझे बताना आप लोगों को भी क्या लगता है. विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल एंड दिस व्लॉग हियर विद दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ.